दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पूरे भारत में 5G लॉन्च को लेकर दूरसंचार कंपनियां और IT के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में टेलीकॉम कंपनियों ने आग्रह किया कि पूरे भारत में 5G सर्विसेज के लॉन्च के लिए मल्टीपल बैंड्स में प्रीमियम मिलीमीटर वेव्स उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बता दें कि अगली पीढ़ी के टेक्नोलॉजी यानी 5G सर्विसेज के लॉन्च के लिए सस्ते कीमतों पर 5G स्पेक्ट्रम मिलीमीटर वेव उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस पार्लियामेंट्री पैनल के हेड शशि थरूर थे। पार्लियामेंट्री पैनल ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से क्लैरिटी चाही कि क्या सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने 5G नेटवर्क लॉन्च में चीनी कंपनी हुआवे और JTE को बाहर कर दिया है। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि हालांकि वर्तमान समय में हुआवे और JTE पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, परंतु उनसे टेलीकॉम कंपनियां 5G उपकरण नहीं खरीदेंगे। आपको बता दें कि इस पार्लियामेंट्री पैनल के साथ पहले रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्रतिनिधियों के साथ पहली बैठक हुई, फिर दूसरी बैठक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई के साथ हुई। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL को उनके 4G उपकरण खरीदने से चाइनीज कंपनियों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द से जल्द की जाने की मांग की। ट्राई ने 5G लॉन्च के लिए 3.3 से 3.6 GHz स्पेक्ट्रम की मांग की। हालांकि ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का मानना है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जितनी जल्दी हो सके टेलीकॉम कंपनियों के लिए उतना ही बेहतर होगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।